जेडीके इज इंस्टॉल्ड। जेके ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो? हाँ, जेडीके इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं। ओके, तो जस्ट एक बार चेक करो, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। मैंने कमांड से किया था, कमांड प्रॉम्प्ट से, जावा वर्जन करके। तो ओके, फिर भी एक बार सी ड्राइव में जाओ। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, नहीं 86 में नहीं जाना है, सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स में। हाँ सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। सी में फिर से जाओ, बैक कर लो। जावा, हाँ जावा का फोल्डर में जाओ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं तुम्हारे पास, जावा के मल्टीपल यस वर्जन्स हैं राइट। हाँ तो कंट्रोल यस पैनल से जाके सबको डिलीट करो पहले। ओके। तो जिसके पास जावा के मल्टीपल वर्जन्स हैं, पुराने वर्जन्स भी हैं, उन सबको रिमूव करो, फिर फ्रेश इंस्टॉलेशन करो। हेलो, हाय राजेश। हाय, हाय। यू कैन सी मी एज अभिजीत, बल्कि आई एम ओके ऋतुजा। ओके 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 एक्चुअली आई हैव नॉट डाउनलोडेड एनीथिंग इन बिटवीन यस्टरडे, ओनली आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीजन। सो इवन यू हैवन गॉन थ्रू द रिमेनिंग स्टफ राइट? नो, एक्चुअली आई डिड नॉट गेट, आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल फॉर सम इमरजेंसी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियोज, ओके, एंड यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। देन डाउनलोड ऑल, आई हैव ऑलरेडी शेयर दोज लिंक्स इन चैट, राइट? गो थ्रू द वीडियो एंड डाउनलोड दोज सॉफ्टवेयर्स। इवन इवन यू कैन ट्राई टू डाउनलोड इमीडिएटली, इवन जस्ट ओनली वन लिंक आई कैन सी नो हियर, नो 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 आई थिंक देयर आर वेरियस। इफ यू कैन गो इन टू द चैट, यू कैन सी वेरियस लिंक्स। सो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एवरी लिंक एंड जस्ट डाउनलोड। ओके, फर्स्ट वन इज फॉर ओरेकल अकाउंट साइन इन ना राजेश? यस, सो फर्स्ट यू हैव टू साइन इन, और यू हैव टू, इफ यू डोंट हैव अकाउंट देन यू हैव टू लॉग रजिस्टर्ड फर्स्ट, देन परफॉर्म सेम स्टेप। ओके फाइन। सो 11 नहीं करना है सौरभ, 11 रहने दो। जस्ट रिमूव 7 एंड 8। ओके, मुझे लगा जो अभी फ्रेश करेंगे बोला ना आपने तो। नहीं, जब 11 इंस्टॉल कर रखे हो तो ठीक है। तो ओरेकल इंस्टॉल करने के लिए, जावा इंस्टॉल करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेटअप पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करना है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इंस्टॉल हो जाएगा।
इवन जिसने भी ओरेकल अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड करके रखा है, तो आप कर सकते हो। और कोई इश्यू आएगा तो अभी मैं फिक्स करूँगा फिर। टुडे जस्ट आई वांट टू मेक श्योर सबका सिस्टम सेटअप रेडी होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, नाउ ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट सौरभ। और वहां पे जाके एक कमांड रन करो, जावा स्पेस हाइफन वर्जन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जावा वर्जन 11 हमें डिटेक्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट? तो इसका मतलब जावा वर्जन करेक्टली इंस्टॉल्ड है। अब इसमें हमें जावा का पाथ भी सेट करना पड़ता है, बट वो अभी हम नहीं करेंगे, लेटर ऑन जब जरूरत पड़ेगी मैवन इंटीग्रेशन के साथ तब करेंगे, ठीक है? मीनवाइल जावा इज रेडी ऑन योर सिस्टम, राइट? अब आपके पास एक्लिप्स ओपन करो, तो सेटअप में जाओ, एक्लिप्स को अनजिप करो, डाउनलोड्स जहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे जाओ। तो इसको अनजिप करो, एप्लीकेशन नहीं 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 इसको ओपन नहीं करना है, जिप को बैक करो, जिप पे जाओ, बैक करो और जाओ। सिर्फ इस पे राइट क्लिक करो जिप फोल्डर पे और एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है ना, एक्सट्रैक्ट करो। कौन सा विंडोज का वर्जन है आपके पास? 10 है, विंडोज 10। तो यहाँ पे आपने स्ट्रैक कर लिया, राइट? पूरा हो गया? यस। तो अब ऊपर एक एक्लिप्स का फोल्डर दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट फोल्डर, उसको ओपन करो। हाँ किया। और अभी तक हाँ ठीक है। अब नीचे से थर्ड आइकन जो दिख रहा है eclipse.exe, उस पर राइट क्लिक करो, और सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है ना, सेंड टू पे जाओ, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, तो एक्लिप्स का जो हमने पैकेज डाउनलोड किया है इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पूरा का पूरा लाइब्रेरी ही है, डायरेक्टली इसको अब हम यूज कर सकते हैं। तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है अब, और डेस्कटॉप पे जाके इस एक्लिप्स के आइकन पे, ये एक्लिप्स का आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, और यहाँ से जस्ट आपको ओपन करना है, लॉन्च करना है। और नाउ वी हैव टू सी कि ये वर्जन इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं 11 को। तो अगर सपोर्ट करेगा तो एक्लिप्स इजिली ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं तो कोई ना कोई एरर थ्रो करेगा ये। ये पाथ वैसे ही रहने दो, ये चेंज कर। नहीं, ये पाथ आप चेंज कर लो, आप ब्राउज करो कहीं पे, एक सिलेनियम का फोल्डर बना लो, सिलेनियम कोड करके, और उसी को पॉइंट करो, तो जहाँ पे आप करना चाहते हो किसी ड्राइव में, तो वहाँ पे एक सिलेनियम का फोल्डर बना लो, सिलेनियम कोड समथिंग, या सिंपल कोड लिख सकते हो। स्पेस नहीं देना है, सेलेक्ट फोल्डर कर लो, यूज दिस डिफॉल्ट। हाँ ठीक है, उसको चेक नहीं करने का, नहीं करने का। हाँ लॉन्च कर दो। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इसी फोल्डर में आपका सारा सोर्स कोड रहेगा, जो भी कोड लिखोगे अब यहीं पे जाएगा। ओके।
ठीक है, एक्लिप्स लॉन्च हो गया। अब इसका जो वेलकम टैब दिख रहा है ऊपर ना, हाँ उसको क्लोज करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट वगैरह करने का ना, तो यहाँ से भी आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फाइल में जाके कर सकते हो, तो आपको फाइल में जाना है और न्यू जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो टेस्ट जावा, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे आपका एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जावा एसी करके, जावा एसी 17, राइट? हाँ। इसको जावा 11 कर दो। ठीक है, और सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल, इसको अनचेक कर दो। ओके, ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ फिनिश पे क्लिक कर दो। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, राइट? अब इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे जावा की लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लिया इसने, और ये आपका एक SRC फोल्डर क्रिएट कर दिया जिसमें आपका सोर्स कोड होता है, राइट? तो जिसमें आप कोड लिखोगे, तो इस SRC पे राइट क्लिक करो, न्यू, एक क्लास बना लो और क्लास का नाम रख दो लेट से हेलो जावा, स्पेस नहीं होगा, और एक नीचे चेक बॉक्स है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, इसको चेक करो और फिर फिनिश। ओके, अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 के नीचे जाओ, एंटर करो। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखो SYSO कीबोर्ड से और कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, तो इसने कोड अपने आप लिख दिया। अब डबल कोट में लिखो हेलो जावा, कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव करो, और ऊपर एक रन का बटन दिख रहा है रिफैक्टर के नीचे, हाँ ना, उस बटन पे क्लिक कर दो उनको, तो ये प्रोग्राम आपका रन हो गया, नीचे हेलो जावा आ गया, मतलब आपका जावा और एक्लिप्स की सेटिंग ठीक है, राइट? ओके, तो आप जावा का कोड अब लिख पा रहे हो, तो ये दो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हो गई। अब नेक्स्ट काम है आपका कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो फिर से जाओ सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में, वहां पे vtiger.exe है ना एक, हाँ, उस पे राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एप्लीकेशन है जिस पे हमें काम करना है सबको एटलीस्ट, और इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी है, तो हमेशा जब मैं जो जो स्टेप बोलूं वही करना, ठीक है? हाँ, तो यस पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट, ये इंस्टॉल अपाचे, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, इंस्टॉल अपाचे, नेक्स्ट, यहाँ पे 80 है उसकी जगह 100 लिखो, नेक्स्ट, इंस्टॉल MySQL, ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे 3340, फिर नेक्स्ट, सर 80 की जगह पे क्या लिखना था? 100, नेक्स्ट,
फिनिश फिनिश या जस्ट वेट, ये कमांड प्रॉम्प्ट अपने आप बंद हो जाएगा और फिर ये ब्राउजर ओपन करेगा. ठीक है, ब्राउजर लॉन्च किया. हाँ. अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो. अब यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स में साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाँ लोकल होस्ट 80 लिखा है वहाँ पे 80 की जगह 100 करो, राइट. और नीचे जो पासवर्ड दे रखा है वहाँ पे एडमिन डालो स्मॉल लेटर में, जैसे यूजर नेम लिखा है ना एडमिन, सेम तरीके से स्मॉल लेटर में एडमिन. इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो. अब यहाँ पे क्रिएट बटन के बगल में एक टिक चेक बॉक्स है, उसको टिक करो और क्रिएट पे क्लिक करो. अब ये आपका लास्ट स्टेप है, इसको एक बार क्लिक करके छोड़ दो, कर्सर हटा लो वहां से. जस्ट वेट. इस पे क्लिक किया था ना नेक्स्ट बटन पे? नहीं 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 आप रुको बोलो ना. अच्छा अच्छा तो क्लिक करके छोड़ो. हाँ. ये अराउंड 20 to 30 सेकंड लेगा. ओके. ओके, फिनिश बटन पे क्लिक करो. तो ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया. और पासवर्ड डालो एडमिन एडमिन, मतलब पास यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, लॉगिन करो. तो ये सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, राइट. और इसी एप्लीकेशन पे अपने को काम करना है नीचे ले. ओके. ठीक है. और ये बहुत ही डायनेमिक एप्लीकेशन है और बहुत ही वास्ट है. Okay. इसमें सारे फीचर आपको मिलेंगे. ठीक है, लॉग आउट कर दो. तो आपका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया. अब ये एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है और इसको आपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, राइट. तो नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम आप रिस्टार्ट करोगे, या सपोज करो आज काम किया, सिस्टम शट डाउन कर दिया, नेक्स्ट डे जब भी इसको स्टार्ट करोगे ना, फिर जब URL इसका ओपन करोगे, तो URL इसका है लोकल होस्ट कॉलन 100, राइट. तो जब इसको ओपन करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा. ओके. तो एरर जब थ्रो करेगा तो मतलब सर्वर इसका स्टार्ट नहीं हुआ होगा बाय डिफॉल्ट.
तो इसका सर्वर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या स्टेप है, डेस्कटॉप पे जाओ। तो डेस्कटॉप पे एक वी टाइगर सीआरएम का शॉर्टकट बन गया होगा कहीं पे, राइट? यस, कहाँ पे है मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये 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 अच्छा इक्लिप्स के नीचे, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो ये क्या करेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा और सर्वर स्टार्ट कर देगा, वो अपने आप चल के बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वो चल के बंद होगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको जाके अपना लोकल होस्ट पेज को रिफ्रेश करोगे तो एरर चला जाएगा। तो याद रखना, इसको अब दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इंस्टॉलेशन जल्दी नहीं होगा, ठीक है? तो इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करना। जिसको भी कोई एरर आता है इस एप्लीकेशन में, तो वो जस्ट मुझे कॉन्टेक्ट करेगा, तो मैं स्टेप बताऊंगा उसको कैसे करना है, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी अपना हो गया। अब बात आती है सेलेनियम की। तो सेलेनियम को हम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे आप सेलेनियम सर्वर का एक जार फाइल देख रहे होगे, ठीक है? तो इसको हमें डायरेक्ट यूज़ करना है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऊपर आपको एक क्रोम ड्राइवर का जिप फाइल दिख रहा है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो। ठीक है, अब आपको वहाँ पे क्रोम ड्राइवर exe फाइल दिखने लगी, राइट? तो इसको भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हमें कोड में यूज करना है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, सेलेनियम का एक छोटा सा कोड लिखते हैं आपके सिस्टम पे, राइट? तो एक्लिप्स ओपन करो। तो सपोज करो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे, राइट? और ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ओके? तो सेम वे आप src पे फिर से जाओ, राइट क्लिक करो, एक क्लास बना लो, लेट्स से क्लास का नाम दे दो लॉगिन, और सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको चेक करो और फिनिश करो, ठीक है? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट है, जावा प्रोजेक्ट, लेकिन हमें सेलेनियम में काम करना है, तो हमें सेलेनियम की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड करनी होगी। जैसे यहाँ पे आपको सिस्टम ये जावा की लाइब्रेरी आपको डिटेक्ट हो रही है बाय डिफॉल्ट, वैसे अगर आपको सेलेनियम में काम करना है तो सेलेनियम की हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, नहीं वो जो टेस्ट जावा प्रोजेक्ट है, राइट, उस पर राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ में जाना है, राइट, और इसके अंदर जाओ कॉन्फिगर बिल्ड पाथ, फिर इसमें लाइब्रेरी टैब पे जाओ, ओके, फिर यहाँ पे क्लास पाथ सिलेक्ट करो, और यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड एक्सटर्नल जार्स, उस पर क्लिक करो, और जहाँ पे आपका ये जार फाइल है उस फोल्डर में जाके उसको सेलेक्ट करो। राइट, इसको सेलेक्ट करो और ओपन कर लो, और यहां से अप्लाई एंड क्लोज करो। तो यहां से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो रेफरेंस लाइब्रेरी करके एक चीज आ गई है, राइट? इसको अगर लेफ्ट साइड में एक्सपेंड करोगे तो यहां पे आपको ये जार दिख रही है, अब मतलब ये लाइब्रेरी ऐड हो गई सेलेनियम की बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 के नीचे से कोड लिखना है, स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे पहले लाइन का कोड हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ब्राउजर ओपन करना है, जैसे चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो चाहे वो एज ब्राउजर हो, राइट? तो अभी क्रोम ब्राउजर में एक ग्लोबल इशू चल रहा है, लेट्स सी कि अभी भी है कि नहीं है लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है? तो हम ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर दूसरे ब्राउजर पे ट्राई करेंगे, ठीक है? तो पहले लाइन का कोड लिखो सिस्टम में एस कैपिटल, क्योंकि जावा जो है केस सेंसिटिव है, तो एस कैपिटल सिस्टम डॉट, तो यहाँ से अब लिखो सेट प्रॉपर्टी, SET टाइप करो, तो ये ऑप्शन आपको खुद ही देगा सेट प्रॉपर्टी। अब सेट प्रॉपर्टी करके आपको एक मेथड दे रहा है जिसमें दो हैं की एंड, राइट? तो इस पे एंटर कर, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। तो जावा चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस इंटेलिजेंस से काम करना चाहिए, राइट? खुद से टाइप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहला पैरामीटर नल दिख रहा है उसके अंदर डबल कोट डालो, और उसके अंदर डबल कोट में लिखो स्मॉल लेटर में वेब ड्राइवर डॉट क्रोम
डॉट ड्राइवर स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब जो दूसरा पैरामीटर है नल, उसके अंदर डबल कोट में, मतलब हमें क्रोम ड्राइवर exe का पाथ पास करना है, ओके ठीक है। तो पाथ आप इजिली ले सकते हो, तो ये डबल कोट यहाँ से हटाओ, मैं ऑप्शन बताता हूँ कैसे आप इजिली पाथ ले सकते हो यहाँ से। तो ठीक है, क्रोम ड्राइवर exe में जाओ, जहाँ पे है क्रोम ड्राइवर exe फाइल, यहाँ पे है ना, इसको शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, इस पे शिफ्ट प्रेस करो पहले, फिर राइट क्लिक करो, नहीं फिर से बाहर क्लिक करो कहीं पे, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, तो आपको एक ऑप्शन आएगा कॉपी एज ए पाथ, उसको सेलेक्ट कर लो और ले जाके एक्लिप्स में पेस्ट कर दो वहीं पे लास्ट में। हाँ देखो, तो ये डबल कोट लेके अपने आप लगा के आ गया, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जावा में सिंगल स्लैश, ये सिंगल बैक स्लैश काम नहीं करता, तो इसकी जगह पे या तो डबल ब्लैक स्लैश यूज करना है या तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। तो हमेशा हमें फॉरवर्ड स्लैश यूज करना चाहिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड स्लैश फ्यूचर में अगर हम लिनक्स मशीन या मैक मशीन पे भी काम करेंगे तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो जहां जहां पे ये बैक स्लैश है इसको फॉरवर्ड स्लैश करो और सबसे एंड में सेमी कॉलन लगा दो। तो ये क्या हुआ, बेसिकली इस लाइन का मतलब है जो क्रोम ड्राइवर की exe हमने डाउनलोड किया है, तो वो क्या करता है कि आपके सिलेनियम के कोड से और ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है बीच में, ओके। तो ये पर्पस के लिए हमें ये exe वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे पाथ में सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, तो एंटर प्रेस करो। अब दूसरे लाइन का कोड लिखना है अपने को कि क्रोम ब्राउजर ओपन करना है अपने को सिस्टम में, okay। तो उसके लिए कोड लिखना है आपको वेब ड्राइवर, अब इसमें W और D कैपिटल होगा, स्पेस, फिर स्मॉल लेटर में ड्राइवर लिखो, इज इक्वल टू न्यू लिख के स्पेस क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर में C और D कैपिटल होगा, राइट। अब यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज कर दो सेमी कॉलन। अब ये लाइन का कोड जनरली क्या बताता है कि ये हमारा क्रोम ब्राउजर स्टार्ट करता है, राइट। बट यहाँ पे आप एरर देख रहे हो अभी दोनों लाइन में, तो इसका मतलब ये है कि ये दो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जो सिलेनियम से आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जब इस पे कर्सर लेके जाओगे तो इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, इम्पोर्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। एरर चला गया, अब यहाँ पे भी क्रोम में भी इम्पोर्ट करो। तो ये बेसिकली बताता है कि ये वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर कहाँ से एक्सेस करना है, ओके। तो ये जो लाइब्रेरी आपने ऐड किया है सेलेनियम का, वहां से एक्सेस हुआ है, राइट, ओके। तो प्रोग्राम को सेव करो और रन करो, तो ये देखो क्रोम ब्राउजर ओपन होता है कि नहीं, तो नीचे देखो कंसोल में एरर आ रहा है, राइट। इसको स्क्रॉल अप करो, तो इसमें ये बता रहा है एरर है कि रिमोट अलाउ ओरिजिन समथिंग करके, राइट। तो और स्क्रॉल करो ऊपर, तो ये देखो कुड नॉट स्टार्ट ए न्यू सेशन। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका है, वो कोड अगर हम ऐड करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। तो बट उसको फिक्स करने से पहले मैं दूसरा चॉइस भी आपको बताता हूँ कि अगर इस पे मान लो एरर आ रहा है तो हमारे पास दूसरे ब्राउजर का भी ऑप्शन है जिसपे हम काम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन जो है कॉपी पेस्ट कर लो नीचे उसी के, कॉपी करके उसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर लो और ऊपर के वो दोनों लाइनों को कमेंट कर दो। कमेंट करने के लिए डबल स्लैश यूज होता है, सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने क्रोम लिखा है वेब सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में, वहां पे एज लिखो, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे एज,
ठीक है, और यहाँ पे अब हमें क्रोम ड्राइवर की जगह एज ड्राइवर का पाथ पास करना पड़ेगा, तो हमें अब एज ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? तो आप selenium.dev की साइट पे जाओ, टाइप करो selenium.dev, एंटर, डाउनलोड्स, टॉप पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, पहले उस पर क्लिक करो। अब स्क्रॉल डाउन करके जाओ जहां पे आपका ब्राउजर्स दिखता है, राइट? ब्राउजर्स को एक्सपेंड करो, वहां पे एज ब्राउजर में जाओ, एज ब्राउजर आया, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे इतने सारे चॉइसेस आपको दिख रहे हैं एज के, राइट? तो इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है, तो आपको पहले मैन्युअली अपने सिस्टम में एज ओपन करना है और जाके उसका वर्जन चेक करना है कि आपके सिस्टम पे एज का कौन सा वर्जन है। ओके, तो मैन्युअली एज को ओपन करो, ठीक है? अब यहां से आप ट्रिपल डॉट में जाओ, अबाउट एक ऑप्शन आता है ना जहां से हम इसका वर्जन चेक करते हैं, अबाउट में, तो यहां से सबसे लास्ट में देखो कहीं पे ऑप्शन आ रहा है, हेल्प एंड फीडबैक में देखो क्या है, अबाउट वाला ऑप्शन चूज करो, वहां से लास्ट में था ना अबाउट एज, लास्ट में, हाँ उस पर क्लिक करो। तो यहाँ से आपको बताएगा कि आपका कौन सा वर्जन का एज है। ओके। वन वन टू नहीं, वेट, चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, क्या पता अभी अपडेट कर दे। ओके। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लोकल सिस्टम का ब्राउजर जिस वर्जन का होगा उसी वर्जन से रिलेटेड हमें ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारे ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका कोड चल रहा होता है, राइट? और अचानक से किसी दिन आपका सिस्टम अपडेट होता है और उसके बाद आपका चलना कोड बंद हो जाएगा, ब्राउजर ओपन होगा बट उसमें URL वगैरह नेविगेट नहीं होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ब्राउजर अपग्रेड हो गया, अब आपको ड्राइवर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हम जाके अब फिर से अपना वर्जन चेक करते हैं ब्राउजर का, अगर वो अपडेट हो रखा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है। ओके। मतलब वो डाउनलोड करके सिर्फ वहां से पाथ चेंज करना पड़ेगा, बस बस और कुछ नहीं। तो ये 69 से आगे जा क्यों नहीं रहा? ठीक है, रीस्टार्ट करो इसको और फिर से इसका वर्जन चेक करो कि कौन सा हुआ आप। ओके। नहीं, वही है। 112, 112, लास्ट में 48 है, राइट?
तो उसका अभी ड्राइवर यहाँ पे आया नहीं है, बट एनीवे हम लेटेस्ट में ट्राई कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है 39 ना, हाँ, और उसके आगे 6x64 है, उस पर क्लिक कर लो। तो ये डाउनलोड करेगा अब, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, फोल्डर को ओपन करो, शो इन फोल्डर। ये फिर से अपने इसमें लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं से... यहीं पे एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक्स ही मूव कर लेना। ओके ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया ना, इसको एमएस ये नीचे आ रहा है उसके, हाँ, इसको राइट क्लिक करो और कट कर लो, ले जाके अपने फोल्डर में रख लो। यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब इसका पाथ हमें वहां पे पास करना है, राइट? तो इसको जस्ट ही नाम इसका देख लो, जाके वहां पे टाइप भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जाके पेस्ट कर लो। इसका पाथ लेना पड़ेगा ना, हाँ, कॉपी कॉपी एज ए पाथ कर लो और कोड में जाओ आप एक्लिप्स में। अब यहाँ पे ये वाला पाथ डिलीट कर दो डबल कोट से, जो है डबल कोट के साथ पूरा। नहीं नहीं सिर्फ डबल कोट तक, हाँ डिलीट करो और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, ठीक है। अब वो बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे क्रोम ड्राइवर नीचे लिखा है वहां पे एज ड्राइवर लिख दो, ई कैपिटल होगा एज में। ओके, ठीक है। अब इस पे कर्सर ले जाके इंपोर्ट कर लो। तो ये तरीका होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे काम करने का, जैसे हमने क्रोम पे काम किया, राइट? ऐसे हम अगर एज पे काम करना है तो हमें सिमिलर टाइप से एज पे काम करेंगे, फायरफॉक्स पे करना है तो फायरफॉक्स पे भी कर सकते हो, सिर्फ इतना ही चेंज करना पड़ता है ब्राउजर में, राइट? अब इसको सेव करो और रन करो, लेट्स सी। तो ये क्रोम ये एज लॉन्च कर दिया, राइट? करेक्ट, या क्लोज कर दो एज ब्राउजर को। अब हमें क्या करना है, इस एज ब्राउजर के अंदर यूआरएल ओपन करना है, राइट? कि चीज कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करना है ब्राउजर के अंदर। तो अब आपको नेक्स्ट लाइन का कोड लिखना है, उसी के आगे एंटर प्रेस करके ड्राइवर स्मॉल लेटर में डॉट गेट GET टाइप करो, या गेट सेलेक्ट करके एंटर कर दो। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे URL पास करो, तो URL हमेशा आपको HTTP यूज करके पास करना है। तो डबल कोट में आपका एप्लीकेशन का URL है, टाइप करो HTTP:// और लोकल होस्ट :100। राइट, तो ये आपका एप्लीकेशन का URL है, लास्ट में सेमीकोलन, सेव करो। अब ये क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करके आपका ये लोकल होस्ट एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा, रन करो। तो यहां से देख सकते हो अब आपका एप्लीकेशन ओपन कर दिया, राइट? अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके अंदर यूजर आईडी डालना है, इसके अंदर पासवर्ड डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, राइट? तो ऑटोमेशन अब समझेगा कैसे कि कौन से फील्ड में क्या टाइप करना है, राइट? तो पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें यूजर नेम वाले फील्ड में ये टाइप करना है और पासवर्ड में ये टाइप करना है, ठीक है? तो पहले आप क्या करोगे, अब ये जो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इस पे जाके राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर जो कोड लिखे होते हैं, राइट, करेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स के, तो
उसका कोड हमें दिखता है। फिर से जाओ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। अब देखो ये कोड है, सेलेक्ट हो गया राइट, कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नीचे आ रहा है, साइज 20, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे अब आपका नेम का जो एट्रीब्यूट है यूजर अंडरस्कोर नेम, यहाँ से कॉपी कर लो डबल क्लिक करके, कॉपी। ठीक है, अब जाओ अपने कोड में, अब एंटर प्रेस करके नए लाइन का कोड लिखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट टाइप करो, सॉरी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब पहला वाला ऑप्शन है, एंटर प्रेस करो, तो ये मेथड क्या करेगा, एलिमेंट को कह रहा है फाइंड करो, ठीक है, फिर जहां पे नल है उसके अंदर लिखो बाई डॉट, तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास कि आईडी से भी कर सकते हो, तो यहाँ से नेम लेना है क्योंकि वहां पे तुमने नेम एट्रीब्यूट कॉपी किया ना, करेक्ट, तो यहाँ से नेम सेलेक्ट करो, एंटर, फिर डबल कोट के अंदर आप वो पेस्ट कर दो जो वहां से कॉपी किया था। तो ये लाइन अब क्या कर रहा है कि ये करेगा, एप्लीकेशन में जाएगा, एलिमेंट को फाइंड करेगा जिसका नेम यूजर नेम है राइट, उस एलिमेंट को फाइंड करेगा। अब फाइंड करने के बाद उसमें हमें कुछ टाइप करना है राइट, तो यही आगे से अब डॉट लगाओ, ये सेमीकोलन हटाओ, डॉट सेंड कीज, एंटर। तो सेंड कीज का मतलब कोई भी चीज टाइप करना हो कीबोर्ड से तो उसका मेथड यहाँ पे होता है सेंड कीज। अब डबल कोट में एडमिन लिख दो जो भी डेटा पास करना है आपको वहां पे, अब सेमीकोलन लगा दो। तो सेम तरीके से अब यही सेम कोड हमारा वहां पे जाएगा, यूजर नेम टाइप कर देगा। अब सिमिलर हमें पासवर्ड भी टाइप करना है तो सिमिलर टाइप का कोड यूज होगा राइट, तो इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दो नीचे वापस से। राइट, अब यहाँ पे सिर्फ हमें नेम उसका चेंज करना होगा कि अब दूसरे फील्ड में टाइप करना है, तो जाके पासवर्ड को इंस्पेक्ट करो और उसका नेम देखो क्या है एप्लीकेशन में। नहीं हुआ, फिर से करो, यूजर, हाँ यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, इसको कॉपी कर लो और जाके वहां पे पेस्ट करता। अब पासवर्ड भी चूंकि हमारा एडमिन ही है तो हो गया ये भी लाइन। अब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है राइट, तो फिर से, तो फिर से यही कोड कॉपी पेस्ट करो और इसका नेम देखो क्या है बटन का। ठीक है, अब यहां से एक चीज तो बटन का नेम फाइंड करो, लॉगिन, लॉगिन कॉपी कर लो, जाके पेस्ट करो यूजर पासवर्ड की जगह पे। अब इस बटन में हमें कुछ भी सेंड कीज नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये डॉट सेंड कीज से आगे का जो कोड है डिलीट करो। ठीक है, तो ये नहीं, ऐसे टाइप मत करो, सीधे सीधे डॉट हटाओ, फिर डॉट लगाओ, अब क्लिक सेकंड वाला, एंटर, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, अब स्टेप जाके यूजर आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करो और सेव करके रन करो, तो देखो सेम स्टेप परफॉर्म होगा। अब लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, राइट। अब सपोज करो आपको लॉग आउट करना है, तो सेम स्टेप हमें लॉग आउट के लिए भी करना होगा। Correct. इसको भी इंस्पेक्ट करो, वो नीचे वाले व्यू में ले आओ चेंज करके, फिर से इंस्पेक्ट करो लॉग आउट को। अब जब आप लॉग आउट को इंस्पेक्ट करोगे तो उसके अंदर एक्सपेंड करो उसको नीचे कोड में,
ये नहीं है, नीचे वाला है। हाँ यही वाला इंडेक्स। हाँ इसको एक्सपेंड करो तो इसमें देख सकते हो कि लॉगआउट लिखा हुआ है लेकिन नेम करके कुछ आपको मिल नहीं रहा। करेक्ट, क्योंकि जितने भी हाइपरलिंक होते हैं वहां पे नेम का कंसेप्ट नहीं होता। तो इसके अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा है लॉगआउट, जस्ट इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लो, ठीक है। तो चूंकि अब इसके अंदर नेम नहीं है तो हमें एक दूसरा मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। तो फिर से जाओ कोड में, एंटर करके उसका अगला लाइन का कोड लिखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एंटर, बाय डॉट डॉट लिंक टेक्स्ट। अब एक ऑप्शन होगा लिंक टेक्स्ट, उसको एंटर कर दो और डबल कोट में वो टेक्स्ट पास कर दो जो कॉपी किया है। तो चूंकि नेम नहीं है तो उसका हमने लिंक टेक्स्ट ले लिया, राइट, क्योंकि वो टेक्स्ट लिखा था। डॉट क्लिक, तो ये क्या करेगा, आप लॉग आउट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करो। तो ये लॉग इन लॉग आउट अब दोनों करेगा। अब लॉग इन लॉग आउट करने लगा। अब आपको ब्राउजर क्लोज करना है तो एक लाइन का कोड और लिख दे नीचे, ड्राइवर डॉट क्विट या ड्राइवर डॉट क्लोज भी चलेगा। तो ये अब ब्राउजर ओपन करेगा, लॉग इन करेगा, लॉग आउट करेगा और क्लोज भी कर देगा। ये पूरा एक सिनेरियो हमारा रेडी हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में ये जितना भी कोड हमने लिखा है, राइट, ये पूरा जावा है। लेकिन अगर आपको जावा नहीं पता है फिर भी आप लॉग इन लॉग आउट आराम से करा सकते हो कि नहीं, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। सिर्फ हमें कुछ स्टेप्स को याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज करती क्या है बेसिकली। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अब यही बात होती है अप्रोच की, कि हम किसी चीज को कैसे इजिली चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आपको इंग्लिश सीखनी है। जब आप छोटे थे इंग्लिश सीखते थे तो आपको बोला गया ए बनाओ, राइट, ए लिखने की आप प्रैक्टिस करते थे। तो कभी आपने ये पूछा किसी से कि ए ऐसा क्यों होता है या बी ऐसे हम क्यों लिखते हैं? नहीं, कभी नहीं पूछा। आपने क्या किया, सिर्फ याद कर लिया कि हाँ ए ऐसा ही होता है, बी ऐसा ही होता है। तो वो चीज आपने याद कर लिया और उसी चीज के बिहाफ पे आगे चल के चीजें शुरू होती है। तो इनिशियली अपनी भी स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि अभी आपको जावा नहीं पता है तो नहीं समझना कुछ भी। आपको सिर्फ स्टेप समझना कि कौन सी चीज क्या करती है। जैसे ऊपर की दो लाइन क्या करती है, ब्राउजर लॉन्च करने का काम हो गया। उसके नीचे का काम जो है ड्राइवर डॉट गेट, कोई भी यूआरएल अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ पे यूआरएल डाल देना है, राइट। और उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन में जाना है, अगर हमें लॉग इन करना है या कोई भी स्टेप परफॉर्म करना है तो सिर्फ उसका एलिमेंट का हमें नेम, आईडी या लिंक टेक्स्ट जो भी है, वो डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, वो हमें वहां से आइडेंटिफाई करना है, लाके यहाँ पे डालना है। और अगर वो टेक्स्ट बॉक्स है तो सेंड कीज करेंगे, बटन है, इमेज है, लिंक है तो क्लिक करेंगे। और यही एक्टिविटी हमें जनरली करनी होती है एंटायर ऑपरेशंस में, ऑटोमेशन में। क्योंकि होगा क्या, हर एक एप्लीकेशन सिमिलर होता है, हर एक एप्लीकेशन में क्या होगा, यही सारे कंट्रोल्स होंगे, सिर्फ इनका अरेंजमेंट चेंज होता है, राइट। और उन्हीं कंट्रोल्स पर जनरली हमें काम करना होता है। तो अगर हमारा एक बार बेस बन गया कि HTML में जितने भी टाइप के कंट्रोल होते हैं, रेडियो, बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन, राइट, सारी चीजों पे अगर एक बार हमने डिफरेंट टाइप से काम कर लिया तो कोई भी एप्लीकेशन पे फिर हम काम कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये चलो आपने लोकल होस्ट एप्लीकेशन पे काम किया, मान लो आपको फेसबुक पे लॉग इन करना था तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे सिर्फ URL पास करेंगे उसका, फेसबुक का, और फिर उसके बाद जो नेम, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड का जो वहाँ पे जो एट्रीब्यूट मिलेगा हमें फाइंड एलिमेंट में, वो पास करेंगे, उसमें सेंड कीज पास करेंगे। फिर ये तो सेम ही होगा, लॉगिन के ऊपर क्लिक का इवेंट और फिर लॉग आउट के ऊपर क्लिक का इवेंट। एग्जैक्टली, तो दिस इज द सेम स्टेप। तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन मिलेगा हम वो एक्टिविटी इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई डिफिकल्टी
राजेश एक डाउट है बोलो. एवरी टाइम इफ यू वांट टू सेलेक्ट लाइक गिव द एलिमेंट्स बाय नेम लिंक और से आईडी और एक्सपाथ सो एवरी टाइम वी विल बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम द वेबसाइट. या फर्स्ट टाइम अगर आपको जब भी कोड लिखना होगा तो फर्स्ट टाइम कोड लिखने के लिए हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेशन में तो बहुत सारे फील्ड है किस पे क्या एक्शन करना है. तो इसी के बिहाफ पे वो समझता है कि नहीं इस वाले फील्ड में जाके हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है. तो फर्स्ट टाइम जब भी हम कोड लिखेंगे वो वहां से हमें इंस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है. और वो इंस्पेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नेम से ले सकते हैं, आईडी से ले सकते हैं, क्लास नेम होता है, टैग नेम होता है, एक्सपाथ होता है, सीएसएस सेलेक्टर होता है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, राइट. Yes. So, but पहले हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि सेटअप रेडी, एटलीस्ट लॉग इन लॉग आउट सबका काम करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि कोड में कोई भी, देखो सेलेनियम के कोड में कोई भी दम नहीं है, बहुत ही प्रिटी मच सिंपल है. सिर्फ आपको इसको ऐसे समझना है अल्फाबेट जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टेप का काम ये है, दैट्स इट, काम खत्म, आपका ऑटोमेशन चालू हो जाएगा. फिर जब हम जावा पढ़ेंगे, जावा पढ़ लेंगे, फिर हमें पूरा समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी क्यों लिखा और ऐसे क्यों लिखा. फिर वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर, इसका मतलब तो है ब्राउजर लॉन्च करना, लेकिन ये काम कैसे करता है, वेब ड्राइवर क्या है, ड्राइवर क्या है, न्यू क्यों लिखा, एज ड्राइवर क्यों लिखा, ब्रैकेट क्यों लगाया, तब ये छोटी छोटी चीजें भी हम लर्न कर लेंगे. जब जावा हमें पता चलेगा तो हमें ये सब मीनिंग इसका समझ में आने लगेगा, राइट. तो इसलिए अपने को क्या करना है कि पहले इनिशियली दो तीन क्लासेस, जैसे मैंने कल बताया था कि अपने को पहले हैंड्स ऑन करना है कोड लिखने की, प्रैक्टिस करनी है विदाउट नोइंग जावा. ओके, तो सेम एग्जांपल को रिलेट करो जैसे मैंने स्कूटी वाला दिया था, आपको पहले काम कराना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काम हमें यही करना है, सिर्फ अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चेंज होते जाएंगे. ओके, तो अब क्विकली एक काम और करो, तुम अब अपने आप से एक नई क्लास बनाओ सेम प्रोजेक्ट के अंदर, राइट. और मैं तो कहूँगा प्रोजेक्ट मत बनाओ, ये प्रोजेक्ट नया बनाओ, फ्रेश से फ्रेश पूरा काम करो. एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर एक नई क्लास बनाओ, उसकी जार फाइल ऐड करो, सारा स्टेप दोबारा से करो, कैंसिल करो, जावा प्रोजेक्ट करो. तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. तो अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दो, लेट्स से फेसबुक, और फिनिश कर दो सिंपल. अब प्रोजेक्ट बन गया, अब सबसे पहले लाइब्रेरी अपना ऐड कर लो सिलेनियम की. तो फेसबुक पे राइट क्लिक करो और बिल्ड पाथ में जाओ. और क्लास पाथ सेलेक्ट करो, गुड. और ऐड एक्सटर्नल जार, पर सेकंड वाला, और अपना सेलेनियम का जार पॉइंट कर दो. अब सेलेनियम ऐड हो गया, अप्लाई एंड क्लोज. अब एसआरसी में जाना है आपको, एक क्लास बनानी है, लेट्स से लॉग इन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेक करो और फिनिश करो. अब वहां से जो कोड आपने लॉगिन का लिखा है कॉपी पेस्ट कर लो, एटलीस्ट ब्राउजर लॉन्च तक का कोड ऊपर दिख रहा है बीच में सेंटर में एक्लिप्स में. सिर्फ ब्राउजर लॉन्च करने का और यूआरएल गेट करने का, तीन लाइन का कोड कॉपी करो क्योंकि ये कॉमन है. अब यहाँ पे अपना यूआरएल चेंज कर लो कि मान लो आपको फेसबुक में जाना है तो facebook.com हो गया. और फेसबुक शायद https है, तो https कर दो उसको, राइट. अब इसको रन करोगे तो ये फेसबुक लॉन्च करेगा. फिर जाके इंस्पेक्ट करो और अपना डेटा डालो. तो डेटा जो है यूजर आईडी पासवर्ड वैलिड मत डालना, कुछ डमी डालना, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट शाम तक हैक हो जाएगा. तो ये देखो फेसबुक ओपन हो गया. अब इंस्पेक्ट कर लो, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, डमी को ईमेल आईडी डालो इसके अंदर, डमी पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पे क्लिक करो.
email equals to email. अब हमेशा कोड कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा टाइप करने की प्रैक्टिस करवानी है. कंसेप्ट मान लो पता चल गया, लेकिन अब हमेशा कोड आपको टाइप करके लिखना है. हर एक लाइन का कोड आप कॉपी पेस्ट नहीं करना फ्यूचर में, जिससे सिंटैक्स लर्न हो आपको. एंटर करो, यही है. बाय डॉट नेम. डॉट सेंड कीज admin@gmail.com ऐसे कुछ करके डाल दो. अब यही कोड अगर आपने एक घंटे तक लगातार असाइनमेंट्स जो मैं दूंगा अगर कोड लिख लिया, तो आप ये कोड लिखने में एक्सपर्ट हो जाओगे. कोई भी एप्लीकेशन उठाओगे, फटाफट कोड लिख डालोगे. अब यहां सेंड कीज नहीं होगा, क्लिक होगा. बस सेव करो, रन करो. पड़ेगा ना ड्राइवर डॉट क्लोज. हाँ, क्लोज लगाओगे तो वो पता नहीं चलेगा, इतना तेजी से चलेगा कि अचानक से बंद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. तो पहले एक बार देख लो. तो ये देखो, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया. चूंकि यूजर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो इस पेज पे इसने उठा के फेंक दिया. राइट, करेक्ट. तो बिहेवियर सेम है. तो ऐसे ही हम किसी भी एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो पूछो. और किसी के मशीन पे अभी इंस्टॉलेशन अगर आपने नहीं किया हो, स्टक हो गए हो, तो वो बताओ. तो एटलीस्ट मशीन मैं रेडी करा दूँ सबका आज इतना. या आप लोग वीडियो देख के कर लोगे. राजेश, चलेगा कि अगर मैं वीडियो देख के करती हूँ एंड अगर कुछ इश्यू आता है, इफ आई पिंग यू? हाँ, तो आज संडे है, पिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ओके. ओके, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस. ओके,
अब मैं ये एप्लीकेशन लेट से लोकल होस्ट अपने सिस्टम पे ओपन करता हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के बाद आप लॉग आउट कर रहे थे अभी तक, तो आपको लॉग आउट नहीं करना है अभी, लॉग आउट का कोड नीचे कर दो, ठीक है। अब हमें पहले यहाँ पे न्यू लीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे लॉगिन पे क्लिक होता है, ये लॉग आउट पे क्लिक करोगे, ये भी एक हाइपरलिंक है, और यहाँ पे न्यू लीड जो है ये भी एक हाइपरलिंक है, तो दोनों का मैकेनिज्म सेम होगा। तो यहाँ पे भी अगर हमें क्लिक करना है तो नेम यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट नहीं है, तो मतलब ये जो टेक्स्ट है न्यू लीड, डायरेक्टली इसको हमें कॉपी करना है और सेम तरीके से कोड लिखना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और डबल कोट में ये टेक्स्ट पास करना है डॉट क्लिक। तो ये क्या होगा, न्यू लीड पे क्लिक कर देगा। जब न्यू लीड में क्लिक करेगा तो ये आपके पास पूरा फॉर्म आएगा, और यहां से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहां तक का कोड मैं लिखना स्टार्ट करता हूं क्विकली। इसमें मैं मेन मेन चीज, जैसे आप ड्रॉप डाउन में वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी है, रेडियो बटन पे चेक कैसे करना है, या टेक्स्ट एरिया में कैसे, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कैसे काम करना है, वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। और ये सारे स्टेप्स फिर आपको एक एक मैं बताऊंगा, फिर बाकी के रिमेनिंग आपको करने हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसके लिए मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, एक्लिप्स ओपन करता हूँ, ब्राउज, तो ये मैंने आपके बैच का नाम रख दिया और लॉन्च। सिंपल। अब आप एक काम करो, मुझे फिर से सारा कोड लिखना पड़ेगा। सौरभ आप एक काम करो, वो जो लॉगिन डॉट जावा फाइल है ना, उसको मुझे आप चैट पे शेयर कर दो, मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा वी टाइगर वाला लॉगिन। तो यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा फिर से, न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया लेट्स से वी टाइगर, ये मॉड्यूल पाथ वगैरह को मैंने अनचेक कर दिया, यहां से जावा 11 सेलेक्ट किया और फिनिश। तो यहां से हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, ओके। अब मुझे यहां से इसको लाइब्रेरी ऐड करनी होगी सेलेनियम की, तो मैं बिल्ड पाथ कॉन्फिगर बिल्ड पाथ लाइब्रेरी क्लास पाथ ऐड एक्सटर्नल जार। मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे रखे हैं, ये जार फाइल है, इसको मैंने ओपन किया, अप्लाई एंड क्लोज। अब इसके अंदर मैंने क्लास बनाई, लेट्स से लॉग इन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। अब यहाँ से, अब फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ,
यहाँ से इन सबको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. तो राइट क्लिक, प्रेफरेंस, कलर एंड फॉन्ट, एडिट, एंड लेट्स से 16. अब आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा. तो यहाँ से हमें पहले लाइन का कोड सिस्टम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने पास किया लेट्स से वेब ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर, और इसके अंदर हमें एज ड्राइवर का पाथ पास करना होगा. तो लेट मी सी कि हमारे पास है कि नहीं. अभी क्रोम ड्राइवर है तो एज ड्राइवर मुझे लेना पड़ेगा. तो सेम अप्रोच यूज करूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं क्रोम पे भी काम कर सकता हूँ. तो जस्ट दो लाइन का कोड और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो ये हुआ हमारा exe फाइल. शिफ्ट प्रेस करके मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी एज ए पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पाथ को हमने फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया. अब नाउ सेकंड स्टेप, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एस ड्राइवर, सिंपल. और अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से भी इंपोर्ट हो जाता है. फिर ड्राइवर डॉट गेट अपना यूआरएल दे दो, http://. लोकल होस्ट कॉलन 100, लास्ट में सेमी कॉलन. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम क्या था इसका, यूजर अंडरस्कोर नेम, राइट, यूजर अंडरस्कोर नेम डॉट सेंड कीज एडमिन. यहाँ पे हम दे देंगे यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड था, और यहाँ पे था लॉग इन डॉट क्लिक. फिर यहाँ पे हमें मेथड लेना था लिंक टेक्स्ट, और लेट्स से न्यू लीड पे क्लिक करना है. तो यहाँ से डॉट क्लिक, तो यहाँ पे भी सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी सेमी कॉलन. यहाँ तक हमने कोड रेडी कर लिया, लेट्स रन इट. कि न्यू लीड पे ये क्लिक करना है, ड्राइवर करना पड़ेगा ना, हमें एज ड्राइवर ही रखा है वहां पे हमने. ओके, दैट्स द प्रॉब्लम. तभी यहाँ पे एरर आ गया. अब अगर मैं रन करूंगा तब भी मेरा भी क्रोम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यू है. लेट्स सी, चल गया. तो अब यहाँ पे न्यू लीड पे देखो, यहाँ पे हमने ये क्लिक करके ओपन कर लिया. अब इसके अंदर मेरा एक स्टेप क्या है कि मुझे लेट्स से ये ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है इसमें कुछ भी, ठीक है, ये हमें काम करना है. तो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है. तो इसके लिए एक स्पेशली सेलेक्ट क्लास है जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो उसके अंदर भी मल्टीपल मेथड है, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. बट दूसरी चीज़ यहाँ पे सेंड कीज भी काम करती है, ये शायद ही लोगों को पता हो. बट यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से सेंड कीज के थ्रू भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जस्ट पहले मुझे इसको इंस्पेक्ट करना है, इसका व्यू चेंज करता हूँ मैं,
वापस से राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो इसका नेम हमें मिल गया सैल्यूटेशन टाइप, तो कॉपी करो और नेक्स्ट स्टेप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और ये हो गया हमारा नेम सैल्यूटेशन टाइप डॉट सेंड कीज। तो यहाँ पे भी आपको सेंड कीज यूज करना है, और बट यहाँ से जो ड्रॉप डाउन की वैल्यू आप लोगों की वो केस सेंसिटिव होती है, तो अगर आप मिस्टर मिसेस जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि ये प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे डी आर मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं दूंगा डी कैपिटल था, आर था, फिर डॉट था, दैट्स इट, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे दो मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, तो मैं इस फील्ड को फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मली आप फिल कर लोगे, तो दो फील्ड मैं सिर्फ ले रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो इसको इंस्पेक्ट करो, तो सेम चीज इंस्पेक्ट किया तो इसको हो गया लास्ट नेम, लास्ट नेम में लेट से मैंने दे दिया ये कंपनी, इंस्पेक्ट करो, और इसके बाद यहाँ पे तो ये दोनों मैंडेटरी फील्ड फिल कर लिया। अब ऐसे आप क्या करोगे, इसमें से सारे के सारे फील्ड और जितने भी ड्रॉप डाउन है सेम अप्रोच से आपको फिल करना है। फिर आते हैं रेडियो बटन पे। अब रेडियो बटन पे काम कैसे होगा ध्यान देना, तो रेडियो बटन को अगर मैंने इंस्पेक्ट किया यहाँ से, तो ये पहला वाला रेडियो बटन है जो यूज़र है, उसका नेम देखो क्या है असाइन टाइप, और इसके बाद दूसरे वाले रेडियो बटन को इंस्पेक्ट करो यहाँ से, उसका भी नेम देखो असाइन टाइप, मतलब ये दोनों यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, राइट। अब दोनों का नेम सेम है। अब अगर आप असाइन टाइप हमेशा पास करोगे नेम, तो वो हमेशा पहले एलिमेंट पे ही ऑपरेशन करेगा, क्योंकि उसको पहला यही मिल जाएगा तो उसी पे वो ऑपरेशन करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, सेलेक्ट सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ये कैसे होगा, आपके नाम डुप्लीकेट है, अब डुप्लीकेट होगा तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा, और बाई डिफॉल्ट ये पहले पे ही एक्शन करेगा लेकिन हमें कराना दूसरे पे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब यहाँ पे दो मेथड आपको देखते हैं, एक फाइंड एलिमेंट, एक फाइंड एलिमेंट्स। तो चूंकि सेम नेम से मल्टीपल है वहां पे एलिमेंट, तो इसलिए हम दूसरा चॉइस यहाँ पे लेंगे, क्या फाइंड एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, आप बाय डॉट नेम, लेट से नेम क्या था असाइन टाइप, कॉपी करो और यहाँ पे दे दो। अब ये रिटर्न करेगा मल्टीपल एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स मिलेंगे सारे रिटर्न करेगा। तो हमारे पास लेट से दो एलिमेंट वहां पे मिलेंगे इस नेम से, एक्सपेक्टेड हमारा यही है। फिर आपको उसमें से अगर सेकंड लेना है तो यहाँ से लिखना है डॉट गेट। अब ये गेट तभी आएगा जब यहाँ पे आप फाइंड एलिमेंट्स लिखोगे, अगर गेट मेथड यहाँ नहीं आता है तो समझ जाना कि आपने यस नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये गेट मेथड हमेशा इसी के साथ आएगा, फाइंड एलिमेंट्स के साथ। अब गेट में क्या होता है कि अगर आप जीरो पास करोगे तो वो पहले एलिमेंट को टारगेट करेगा, वन पास करोगे तो दूसरे को करेगा। तो हमें दूसरे को करना है इसलिए हमने यहाँ पे वन किया और डॉट क्लिक सिंपल। तो ये क्या करेगा आपका, अब रेडियो बटन पे क्लिक कर देगा ये टीम को, ठीक है। इसके बाद की सारी फील्ड आपकी नॉर्मल है, सब में आपको इंस्पेक्ट करना है नेम और सेंड कीज करना है। अब उसके बाद सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कराना है, तो सेव बटन भी आपके पास देखो नीचे सेव कैंसिल लिखा रहा है और ऊपर भी सेव बटन है, तो मतलब यहाँ पे भी डुप्लीकेट होने के चांसेस है, राइट। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सेव बटन को इंस्पेक्ट करो, पहले देखो ऊपर वाले का नाम क्या है, नेम बटन है, राइट। फिर नीचे वाले को देखो, इसको इंस्पेक्ट करके देखो, इसका भी नेम बटन है, एंड अनफॉर्चुनेटली इसके नीचे भी एक नेम बटन दिख रहा है, मतलब कैंसिल का भी नेम बटन है। तो सेव बटन का भी नेम बटन है और कैंसिल का भी नेम बटन है, और ऊपर वाले कैंसिल का चेक करो, इसका भी नेम बटन है। तो मतलब नेम बटन करके
देखा जाए तो हमारे पास पेज पे 4 हो गया, राइट। अब इनमें से हमें 4 में से इस वाले सेव बटन पे क्लिक करना है, तो फिर क्या लॉजिक होगा, सिमिलर। फिर यहां से हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम, और नेम में हमने क्या पास कर दिया, क्या था, बटन डॉट गेट। अब गेट 0 करेंगे तो पहले वाले सेव बटन पे क्लिक करेगा, 1 करेंगे तो पहले वाले कैंसिल पे करेगा, फिर 2 करेंगे तो नीचे वाले सेव बटन पे करेगा, 3 करेंगे तो नीचे वाले कैंसिल पे करेगा। तो हमें सेव बटन पे क्लिक करना है नीचे वाले पे, तो मतलब 2 डॉट क्लिक। अब यहां से रन करो प्रोग्राम को, तो देखो कि सारा काम यहां तक हो रहा है कि नहीं। अब चूंकि इतना क्विकली होगा कि आपको समझ में कम आएगा, तो ध्यान से देना, देखना, नहीं तो मुझे वेट लगाना पड़ेगा। तो ये देखो रेडियो बटन सेलेक्ट हो गया था टीम वहां पे, ठीक है। तो ये फॉर्म सबमिट भी हो गया क्लिक होके। तो अगर आपको देखना है कि सच में रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वहां पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट लगा दो। तो अगर वेट लगाना है, स्क्रिप्ट को पॉज करना है, तो यहाँ पे लिखना है थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे मिली सेकंड्स में टाइम पास करना होता है। तो जैसे मुझे 5 सेकंड के लिए वेट करना है, तो 5000 और आगे सेमी कॉलन। तो जैसे ये टाइप करोगे, यहाँ पे ऐसे एरर आएगा, इस पे कर्सर ले जाना है और ऐड थ्रोज कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ से फिर से रन करो, तो यहाँ पे देखो इसने डॉक्टर सेलेक्ट किया, मोदी, बीजेपी और टीम सेलेक्ट कर दिया है। अब 5 सेकंड बाद ये क्लिक करेगा, अब क्लिक करके सेव हो गया। तो ऐसे कहीं पे अगर वेट लगाना है किसी लाइन पे, कि यहाँ पे जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है बट थोड़ा डिले करना है, तो उस लाइन पे पर्टिकुलर आपको वेट यूज कर लेना है। तो 1 सेकंड के लिए 1000, 3 सेकंड के लिए 3000, ऐसे करके आपको यहाँ पे पुट करना होता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है, मतलब लॉग इन करना है, लॉग इन करके आना है, यहाँ से फॉर्म फिल करना है, फिर आपको लॉग आउट करना है और फिर ब्राउजर क्लोज करना है। दिस इज द वन असाइनमेंट, और ये सिर्फ आपको वी टाइगर के लिए करना है। सिमिलरली फिर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या असाइनमेंट्स है आपका। एक तो ये काम किया आपने, क्रिएट लीड इन वी टाइगर, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, फेसबुक में जाना है, उसमें आपको साइन अप करना है पहले, और फिर लॉग इन करना है और लॉग आउट करना है। अब यहाँ पे आपको चैलेंजेस थोड़े से मिलेंगे, तो वही चैलेंजेस हमें चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, आपको जीमेल पे जाना है, यहाँ पे भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको साइन अप करना है, फिर आपको लॉग इन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको लिंक्डइन पे जाना है, वहां पे साइन अप करना है और फिर लॉग इन करना है। अब मैंने यही सेम ऑपरेशन आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में डिजाइंड है और सबकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि प्रिटी मच सिंपल हर जगह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितनी भी लिंक्डइन हो गई, जीमेल हो गई, फेसबुक हो गई, ये सब हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, राइट। तो अब इनके हिसाब से जब हम प्रिटी मच सिंपल तरीके से कोड लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको चैलेंजेस वहां पे आएंगे, कि हो सकता है कि यूजर नेम बटन या ईमेल आईडी डाला, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो पासवर्ड एंटर नहीं करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब आप कहीं पे अटकोगे, तब आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो वो आपकी लर्निंग होगी कि हाँ किसी एप्लीकेशन में किस किस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं और उस चैलेंजेस को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं फिर हम। तो जनरली आपको जहां कहीं पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेकंड फॉर्म में वो डेटा नहीं फिल कर पा रहा है, तो उसके पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट लगा देना है, क्योंकि सिलेनियम इतना तेजी से एग्जीक्यूट होता है कि वो जल्दी से, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो मान लो दूसरा पेज लोड होने में टाइम लग रहा हो 1-2 सेकंड का, तो उससे पहले सिलेनियम एग्जीक्यूट हो जाता है और चेक करता है कि उसको एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिलता तो तुरंत एरर थ्रो कर देता है।
ओके तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको थोड़ा सा वेट पुट करके चलना पड़ेगा. तो आप ये करोगे, फिर आपको चैलेंजेस जो आएंगे फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है? फिर वो आपके लिए वो एक नया लर्निंग होगा. तो ये इतना असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना है, सेटअप बना के पूरा का पूरा, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीकेंड पे हम क्या करने वाले हैं, ये जितने भी टाइप के मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि लिंक टेक्स्ट, नेम, आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, एक्स पास, सीएसएस सेलेक्टर, वो सब पे डिटेल में काम करना स्टार्ट करेंगे. और कब किस सिचुएशन में हमें क्या लेना चाहिए वो लर्न करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि अगर आप एलिमेंट को फाइंड ही नहीं कर पाओगे पेज पे, एप्लीकेशन में लोकेट नहीं कर पाओगे, तो आप उस पर एक्शन नहीं कर पाओगे. तो ये सबसे बड़ा हर्डल होता है. तो इसी को सबसे अच्छे से पहले डीप में हमें लर्न करना होगा, ठीक है? उसके बाद का टॉपिक होगा कि अपने पास जैसे सेंड कीज है, क्लिक है, ऐसे और कितने मेथड्स हैं, कि क्या क्या चीज़ें हम इसके साथ और कर सकते हैं. दूसरी चीज़, अब जैसे फाइंड एलिमेंट के साथ आप एलिमेंट फाइंड कर रहे हो, और भी ड्राइवर के साथ कितने मेथड हैं, जैसे गेट आपने यूज़ किया, फाइंड एलिमेंट किया, फाइंड एलिमेंट्स किया, फिर आप लेट से ड्राइवर डॉट क्लोज लगा सकते हो ना, ड्राइवर डॉट क्विट भी लिख सकते हो. तो ऐसे सब किस लिए बने हैं, इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट? और फिर ड्राइवर के भी हम मेथड्स पढ़ेंगे एग्जैक्टली. तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक का टॉपिक ही अपना यही होगा कि पूरा का पूरा एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वेब ड्राइवर के अंदर कौन कौन से सारी मेथड्स हैं, उन सब का काम क्या है पर्टिकुलर, उन सब पे देखेंगे, और साथ के साथ एलिमेंट्स पे एक्शन करने के लिए भी हमारे पास कितने मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें. तो इतना सारा चीज़ें हम लर्न करके अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा बेस एकदम से रेडी हो जाएगा. ओके तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो सर. जो हमने सर स्क्रीन दिखा सकते हैं वो, हाँ, उसमें जो फाइंड एलिमेंट्स लिया उसमें हमें पता था कि सेव और कैंसल का दोनों का नेम सेम है, पर अगर नहीं पता है तो क्या करना है? नहीं पता होगा तो जब आप नॉर्मल कोड लिखोगे, राइट, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा, तो वो कहीं और क्लिक करके जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वहाँ क्लिक क्यों नहीं कर रहा है जहाँ आप चाह रहे हो, ये क्लिक कहीं और क्यों कर रहा है. तब आप कोड में जाओगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो ये बटन का केस था, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्या, लेट से न्यू लेट पे. अब मुझे डाउट होगा कि यार कितने हो सकते हैं. अब मान लो आपने, आपको दिखा सेव, नीचे सेव, हो सकता है कैंसिल आपको ना पता चला हो, लेकिन जब आप सेव बटन पे, नीचे वाले सेव बटन पे अगर क्लिक कराओगे तो हो सकता है कि आपने इंडेक्स वन पास कर दिया. अब इंडेक्स वन पास करोगे तो वो कैंसिल पे क्लिक करेगा, फिर आप सोचोगे नहीं मैं तो लीड सेव कर रही थी, यहाँ पे क्यों ऐसे जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, गलत जगह क्लिक ले रहा है. तो आपको सिंपल सा करना क्या होगा, इसके व्यू सोर्स में जाओ और यहाँ पे सर्च लगा दो कि बटन कितने हैं आखिर में. तो ये बताना शुरू करेगा कि इनपुट टाइप बटन कितने आ रहे हैं आपके पास, राइट. फिर अब उनमें से आपको ये देखना पड़ेगा HTML के कौन कौन से हैं. तो ये सब HTML के, देखो जी, इनपुट टाइप टाइप बटन है, तो हमें नेम लेना है, तो नेम इज इक्वल टू ऐसे करके बटन, ऐसे करके वहाँ पे एट्रीब्यूट होता है. अब देखो कहाँ पे मिल रहा है, तो एक बटन यहाँ पे मिला, सेव और कैंसिल, देखो दो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल बता रहा है 2 out of 4, मतलब 4 हैं. नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे 2 मिल गए, तो आपको पता चल गया ना कि 4 है. तब यहाँ से फिर इंडेक्सिंग डिसाइड कर सकते हो कि किसको पहले लेना है, कि ये हमें पहला हो गया 0, ये 1, और इसके बाद ये 2 और ये 3, ऐसे. तो कोड में जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में इंडेक्स बनेगा. क्लियर? और किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? राजेश, वो जो क्रोम के लिए एरर आ रहा था वो कैसे रिजॉल्व किया था, वो एक बार रिकॉल करूंगी क्या प्लीज? ओके, तो उसके लिए वो असल में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि क्रोम का ब्राउजर, या तो अगर एक बार अपग्रेड कर दो तो शायद वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा अपग्रेड हुआ तो रिजॉल्व हो गया, नहीं तो उससे पहले मेरे में एरर आ रहा था.
तो उसके लिए आपको ये लाइन का कोड लिखना पड़ेगा एडिशनल. तो ये मैं आपको यहीं पे टाइप कर देता हूँ. तो ऐसे ना लिख के जो ये क्रोम ड्राइवर है इसको कमेंट करना पड़ेगा और इसकी जगह पे हमें ये तीन लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है ना? तो ये तीन लाइन के कोड लिखोगे तब जाके ये चलेगा. तो जैसे अभी मान लो इनके के सौरभ के भी सिस्टम पे आ रहा था, तो इनको अगर क्रोम पे करना है तो ये क्रोम ड्राइवर ऐसे लिखना पड़ेगा. आपको तीन लाइन एडिशनली ये ऐड करने पड़ेंगे तब ये चल पड़ेगा. ओके तो ये टेम्परेरी फिक्सेस दिया है उन्होंने सिलेनियम वालों ने अभी. तो ये कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. तो जिसको अगर इशू आएगा क्रोम पे तो ये कर सकते हैं, और तब भी कोई इशू है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे. बट उसके अलावा आप एज पे काम कर सकते हो, नहीं तो फायरफॉक्स यूज कर सकते हो. ठीक है, तो सौरभ आप ये कॉपी करके पेस्ट करके आप अपने क्रोम पे एक बार चेक कर सकते हो, ये रन करेगा. श्योर. और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं है? ओके. तो डेमो पार्ट अपना डन हो गया. अगर किसी के इंस्टॉलेशन में कोई इशू आता है तो वो बताएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो दो सीट अभी तक फिक्स हो चुकी है, सुचिता एंड अंजलि का, राइट? रिमेनिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व.